जिनाहे खुशबया ए कायदे आजम इधर कैसे, तुम्हें याद आए हिंदुस्तान के शामो शहर कैसे, हरीफों को लुभा लेने का सीखा ये हुनर कैसे, किया एक भाजपाई के जिगर में तुमने घर कैसे, कहो सच क्या है, आपस में लड़ाने तो नहीं आए, कमल का फूल मिट्टी में मिलाने तो नहीं आए, कहो सच क्या है, आपस में लड़ाने तो नहीं आए, कमल का फूल मिट्टी में मिलाने तो नहीं आए। आपके तालियों ने बताया कि नज्म आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बहरहाल फिर भी पेश करना है क्योंकि मुबीन का हुक्म है, बाद में सारे मामला उसी से तय करने। सुनिएगा, जिनाहे खुशबयां ए कायदे आजम इधर कैसे, तुम्हें याद आए हिंदुस्तान के शामो शहर कैसे, हरीफों को लुभा लेने का सीखा यह हुनर कैसे, किया एक भाजपाई के जिगर में तुमने घर कैसे, कहो सच क्या है, आपस में लड़ाने तो नहीं आए, कमल का फूल मिट्टी में मिलाने तो नहीं आए, बहुत खुश थे सियासत दा हमारे मुल्क में तुम बिन, बहुत खुश थे सियासत दा हमारे मुल्क में तुम बिन, अचानक एक बोतल से निकल आया तुम्हारा जिन, बहुत खुश थे सियासत दा हमारे मुल्क में तुम बिन, अचानक एक बोतल से निकल आया तुम्हारा जिन, सहे गम तुमको अच्छा कह के अडवाणी ने भी कुछ दिन, जनाबे सिंह बीजेपी के सर का ताज थे लेकिन तुम्हारा नाम लेकर जिंदगी में जहर भर डाला, तुम्हारे इश्क ने जसवंत को बर्बाद कर डाला, तुम्हारा नाम लेकर जिंदगी में जहर भर डाला, तुम्हारे इश्क ने जसवंत को बर्बाद कर डाला, तुम्हें हिंदुस्तान आने की क्यों सूझी ये समझाओ, तुम्हें हिंदुस्तान आने की क्यों सूझी ये समझाओ, वहां क्या कम तुम्हारे चाहने वाले हैं बतलाओ, हमारे देश भारत की सियासत पर तरस खाओ, खुदा के वास्ते अब मुल्क अपने लौट भी जाओ, अगर तुम जम गए तो हर खुशी गम बन के आएगी, कई मशहूर नेताओं की नैया डूब जाएगी, अगर तुम जम गए तो हर खुशी गम बन के आएगी, कई मशहूर नेताओं की नैया डूब जाएगी। इसमें यह बंद आ रहा है, यह बहुत खास बंद है, इस पर आप दाद दें या नहीं दें, लेकिन बहुत अहम बंद है, पेश करता हूं कि वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी, वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी, वही नफरत थी जिसने गांधी जी की जान भी ली थी, नहीं मालूम बंटवारे के पीछे चाल किसकी थी। ये बहुत अहम मिसरा है, ये मामूली मिसरा नहीं है, इसके पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी, वही नफरत थी जिसने गांधी जी की जान भी ली थी, नहीं मालूम बंटवारे के पीछे चाल किसकी थी, बस इतना याद है जो आग शोला बनकर उठी थी वो आग अब भी हमारे पांव के नीचे सुलगती है, निकलती है जो पैरों से तो घर में आकर लगती, वो आग अब भी हमारे पांव के नीचे सुलगती है। बहुत शुक्रिया, बशर साहब ने दाद दे दी मुझे, मेरी कीमत वसूल हो गई, बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। वो नफरत आज भी जिंदा है जो तकसीम ने दी थी, वही नफरत थी जिसने गांधी जी की जान भी ली थी, नहीं मालूम बंटवारे के पीछे चाल किसकी थी, बस इतना याद है जो आग शोला बन के उठती थी वो आग अब भी हमारे पांव के नीचे सुलगती है, निकलती है जो पैरों से तो घर में आके लगती है, निकलती है जो पैरों से तो घर में आके लगती है, हमें जो सुन रहा है थाम कर अपना जिगर बैठे, हमें जो सुन रहा है थाम कर अपना जिगर बैठे, बया हम में हकीकत कर रहे हैं दार पर बैठे, अमा जसवंत जी किस शख्स की तारीफ कर बैठे, फंसा कर रख लिया खुद को परेशानी में घर बैठे, हमें जो सुन रहा है थाम कर अपना जिगर बैठे, बया हम एक हकीकत कर रहे हैं दार पर बैठे, अमा जसवंत जी किस शख्स की तारीफ कर बैठे, फंसा कर रख लिया खुद को परेशानी में घर बैठे, अगर तुम गोडसे को मुल्क का हमदम बता देते तुम्हारे लोग तुमको अपनी छाती से लगा लेते। वाह वाह वाह, क्या कहने दे, अगर तुम गोडसे को मुल्क का हमदम बता देते तुम्हारे लोग तुमको अपनी छाती से लगा लेते। नज्म का क्लाइमेक्स
آخری بند آ رہا ہے, چھ مصرے, چھٹے مصرے پر آپ کی خصوصی توجہ, اور اگر میں نے بات سچ کہی ہو تو آپ کی شرکت, آپ کی دعائیں. سنیے گا, اگر تم گوڈسے کو ملک کا ہمدم بتا دیتے, تمہارے لوگ تم کو اپنی چھاتی سے لگا لیتے, گنہگار وطن کو دوستوں کی صف میں لاتے ہو, گنہگار وطن کو دوستوں کی صف میں لاتے ہو, جو پاکستان کا بانی تھا اس کے گیت گاتے ہو, گنہگار وطن کو دوستوں کی صف میں لاتے ہو, جو پاکستان کا بانی تھا اس کے گیت گاتے ہو. قیامت ہے یہ کس سچائی سے پردہ اٹھاتے ہو جسے تم امن و یکجہتی کا آئینہ بتاتے ہو. اگر ہم اس کو اچھا آدمی ایک بار کہہ دیتے, ہمیں تم لوگ ملک و قوم کو غدار